नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारा फर्स्ट डे है और हम आज सैंपल कलेक्शन सीख रहे हैं। तो चलिए आगे आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो के साथ साथ हम जैसा जैसा खुद सीखते हैं आपको भी बताएंगे कैसे सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस तरीके से सिरिंज को फाड़ते हैं, उसके पैकेट को। उसके बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि पहले सिरिंज नया होता है तो अच्छे से खींचता नहीं, उसमें दबाव पड़ जाता है। उसके बाद अपन को कैप निकालना है। कैप ना भी निकालें तो कैप के अंदर कैप को पकड़ के पिस्टन को 2-3 बार खींचें और उसको फ्री कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि जब भी हम वेन में इंजेक्ट करें नीडल को तो हमें कुछ दबाव सा महसूस हो। तो पहले इसको फ्री कर देना चाहिए। फिर अपन जैसा आपने 2-3 टेस्ट लिखे होते हैं उस हिसाब से अपन ब्लड निकालते हैं। यदि 4 टेस्ट लिखे हैं तो अपन को 4 ml ब्लड निकालना है, फिर 5 ml ब्लड निकालना होता है। और 2 वायल होते हैं, पर्पल वायल होता है एक और एक रेड वायल होता है। रेड वायल में बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट मतलब सैंपल दिए जाते हैं और पर्पल वायल में केवल CBC दिया जाता है और मलेरिया। तो अपन सैंपल निकालने से पहले सबसे विशेष ध्यान ही रखते हैं कि टर्निकेट लगाना। टर्निकेट लगाने से हमारी नस सलती नहीं है और स्पष्ट दिखने लगती है। उसके बाद हमको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि नीडल जो है अपने को विशेष ध्यान ही रखना है कि अपने को कॉटन में स्प्रिट लगा के और नस को साफ करना है, पूरी वेन साफ करना है, जिससे वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया जीवाणु सब स्टरलाइज हो जाए। और हमें कैप खोलने के बाद एक विशेष ध्यान ये रखना है इंजेक्ट करने से पहले वेन में कि नीडल का जो छेद है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। यदि वो नीचे ही की तरफ होता है तो पेशेंट को बहुत दर्द होगा और आपको चिल्ला भी सकता है। और सबसे मेन बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सैंपल निकालते हो तो पेशेंट के साथ एक पारिवारिक व्यवहार और सामंजस्य बनाए रखिए, ताकि वो भी सैंपल देने में कोई वो ना करे मतलब। और इसके साथ ही हमारा ये यूरिन कंटेनर है, इससे हम यूरिन लेते हैं। और यूरिन में इस कंटेनर में हमें 2-3 चीज़ें लिखना होता है, OBD नंबर और एज लिखना होता है और नाम लिखना होता है। उसके बाद इसके हिसाब से टेस्ट लगाया जाता है। Thank you.